नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल इमित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राशन कार्ड शेडिंग को लेकर। काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के मेरे पास आ रहे थे और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिनके बारे में आज आप सभी को मैं जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर जो पहला सवाल था कि राशन कार्ड में शेडिंग कैसे करें, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल जो आप लोगों के द्वारा काफ़ी बार मुझसे पूछा गया कि राशन कार्ड में किस किस सदस्य की शेडिंग हो रही है, किस किस की नहीं हो रही है, इस बात का पता कैसे करें अपने मोबाइल से घर बैठे, इस चीज़ का आपको पता करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको मैं तरीका बताने वाला हूं कि आप घर बैठे राशन कार्ड की शेडिंग देख सकते हैं आराम से तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर और वहां पर आपको सर्च करना है EPDS ऐप। दोस्तों जैसे ही आप EPDS ऐप सर्च करते हैं तो यहां पर आपको दोस्तों डोइट विभाग का, गवर्नमेंट और राजस्थान का ये ऐप मिल जाएगा, या फिर आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ पर क्लिक करके इस ऐप पर ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन पे, तो मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों इसे ओपन करने के बाद इसका जो इंटरफेस रहेगा वो इस तरह का रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी SSID डालनी होगी और उसके पासवर्ड डालने होंगे, फिर आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। आप किसी भी सदस्य की यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी फैमिली मेंबर की यहाँ पर डाल सकते हैं। तो फटाफट से मैं अपनी SSID यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो दोस्तों पासपोर्ट और ID मैंने यहाँ पर डाल लिए हैं, सिंपली हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके सामने आते हैं, पहला है SRDH नंबर यानी कि जो जन आधार नंबर है उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है अगर आपके पास है तो, या फिर आप आधार नंबर के माध्यम से देख सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में अन्य किस किस सदस्यों की शेडिंग हो रही है, या अदरवाइज आप राशन कार्ड का ही चयन करें सबसे बेटर रहेगा। तो राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं तो सिंपली मैं एक राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से काम करते हैं इसका। दोस्तों सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है राशन कार्ड डिटेल के अंदर और डिटेल पर जाने के बाद सिंपली आपको सेलेक्ट पर जाना है और यहाँ पर राशन सेलेक्ट करना है और जो राशन कार्ड नंबर आपने पहले डाले थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करने लग जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर गो पर क्लिक करना है। गो पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी आपके राशन कार्ड संबंधी आने लग जाएगी। सिंपली दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर फैमिली डिटेल के अंदर जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो सदस्य है यानी कि जो जितने भी सदस्य आपके राशन कार्ड में होंगे सभी के नाम यहाँ पर शो करने लग जाएंगे। दोस्तों आपको पता कैसे करना है कि ये आधार नंबर जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, सिंपली दोस्तों आप देख सकते हैं कि आधार का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यानी कि जो सदस्य है उनका यहाँ पर आधार नंबर जुड़ा है। इसी तरह यहाँ पर सेकेंड सदस्य आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका भी आधार नंबर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो तीसरा सदस्य है वो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर इनकी शेडिंग नहीं हो रही है और यहाँ पर आधार नंबर ब्लैंक है यानी कि इनकी शेडिंग नहीं हो रही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस किस की शेडिंग हो रही है और किस किस की नहीं हो रही है। तो ये आप काफ़ी आसानी से अपने मोबाइल से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सदस्य ऐसे भी जिनकी शेडिंग नहीं हो रही है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में आधार शेडिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने घर बैठे मोबाइल से देखने का। आपको मित्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कभी कोई ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार नंबर जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। अब दोस्तों ये बात तो हो गई, अब आपके मन में सवाल होगा कि यार मान लो कि जिन लोगों के आधार नंबर नहीं जुड़ा है उन्हें क्या करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं उन्हें करना क्या है, आपको करना ये है कि तो अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो सिंपली आपको नगर पालिका में जाना होगा, या फिर आप ग्रामीण एरिया में आते हैं तो आपको पंचायत समिति में जाना होगा, वहाँ पर जाकर आप दोस्तों फ्री में निःशुल्क शेडिंग करवा सकते हैं। दोस्तों ये तरीका है, फिलहाल मित्र पर कोई भी तरीका नहीं है शेडिंग का। तो ये तरीका मैंने आपको बताया है शेडिंग दे रहे हैं, शेडिंग हो रही है नहीं हो रही है, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं ताकि हम आपको ऐसे वीडियो लगातार देते रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।